नमस्कार दोस्तों, जीत के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए हमें निर्णय लेना ही होता है। अगर एक चौराहे से चारों रास्ते किसी एक मंजिल तक जाते भी हों तो आप चारों रास्तों से नहीं जा सकते, जाना किसी एक रास्ते से ही होगा। अगर आप उस रास्ते को पकड़ते हो, उसके साथ आत्मसात होते हो और उस पर चलते हो, आप तभी मंजिल पर पहुँच सकते हो। अगर आप इस सोच में पड़ जाओगे कि इन चारों में से कौन सा बेहतर है और पढ़े ही रहोगे तो हो सकता है कि आप लेट हो जाओ। इसी सोच के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और तुला राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो में हम ये तो देखेंगे ही कि भाई तुला राशि में ईश्वर ने क्या गुण दिए हैं, क्या आप गुण दिए हैं, ये भी जानेंगे कि जीवन में गलती होती कहां पर है, क्या उपाय किया जाए, ऐसा क्या होता है जिसके कारण व्यक्ति को दुख मिलता है, जीवन में वो हार जाता है, तो ऐसा क्या करे वो, तो वो जीत सकता है। खासकर जो यंग लोग हैं या फिर उनके पास तो काफी समय है जीत को सुधारने का, जीत को हासिल करने के लिए अपने जीवन में सुधार लाने का। गलती होती कहां से, सफलता क्यों नहीं मिलती तुला वालों को, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत में पहले वही, सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल कि भाई तुला राशि होती क्या है, है ना, उसके गुण क्या होते हैं, इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और उसके बाद फिर अपने इस टॉपिक पे आते हैं। तुला राशि काल पुरुष की सातवीं राशि है, रजस गुण है इसका। रजस मतलब कुछ अचीव करना, कुछ प्राप्त करना। रजस को हम ब्रह्मा जी और माता सरस्वती से जोड़ते हैं, रजस जो गुण है। ऐसे सात गुण को किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से बोलते हैं, मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, कहीं ना कहीं इसमें रजस गुण है। तुला इसका सिंबल है, तुला सिंबल मतलब एक तराजू है। जस्टिस चाहिए इनको, न्याय चाहिए, सब चीजों को ना सोच समझ के, दोनों पहलुओं को पूरा समझ के ये जो लोग ना निर्णय लेते हैं। इस जस्टिस का मतलब आप एकदम जस्टिस मत समझिए, इस जस्टिस का मतलब ये भी है कि जैसे लॉजिक कुछ और कह रहा है, इमोशन कुछ और कह रहे हैं, दो तराजू हैं जो ऊपर नीचे हो रही हैं, जिसको आप बैलेंस करना चाह रहे हो, ये वो है। विचार ये भी कह रहे हैं कि मैं ये भी कर लूं, विचार ये भी कह रहे हैं मैं वो भी कर लूं, ये वो जस्टिस है। इस बात का ध्यान रखिए, कई बार हम जस्टिस को एकदम बोलते हैं कि सही क्या है, वो तो है ही है, साथ में ये भी है, इसको हमें ध्यान में रखना है। पश्चिम इसकी दिशा होती है तुला राशि की, चल राशि है ये, चलने वाली, मूवमेंट, चल राशि है ये। 1, 4, 7, 10 जो राशि है वो चल है, जैसे कि आपकी सातवीं है, पुरुष राशि है, इवन है ना, इवन नहीं है, 2, 4, 6 ये पुरुष, ये जो है ना, ये 2, 4, 6 ये स्त्री राशियां हैं, और 1, 3, 5, 6, 7 ये पुरुष क्रूर राशि हम उसको कहते हैं। धातु है वायु, इसका तत्व है वायु, तत्व है वायु, वायु जो तत्व है आपने देखा ना, वायु आप चलती रहती है, रुकती नहीं है, विंड जो होती है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसमें से वायु जो है ना वो आपका तत्व है। सनसेट इस राशि में होता है, सूर्य का जो होता है ना, इस राशि में सूर्य अस्त होते हैं जाके, इस राशि में सूर्य नीच के भी होते हैं, कुंडली में भी आप देखोगे, सातवां भाव को दिखाती है, सातवें भाव जब सूर्य पहुंचते हैं तो शाम का समय हो जाता है, वो अक्सर अस्त हो जाया करते हैं। इसका मतलब कुछ बुरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी, आप कह सकते हैं, इजी गोइंग होते हैं, समझदार होते हैं, दूसरों की बातों को कंसीडर करते हैं, दूसरों को क्या चाहिए उनका भी सब ख्याल रखने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य थोड़ा ईगो दिखाता है, भाई अपना, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सबको साथ में लेके चलने की इनके अंदर क्षमता होती है। चीज़ों को बैलेंस करते हैं, देखते हैं, विन विन कुंडली में रखते हैं ये जिंदगी में अपने, विन विन मतलब मेरा भी लाभ हो तो दूसरे का भी लाभ हो। अगर इनसे कोई गलती हो गई बाय चांस, किसी के साथ इनको लगा कि यार ये ठीक नहीं हुआ, तो बहुत दिनों तक इनके मन में रहता है वो बात, यार वो नहीं हुआ, और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो कितने अच्छे ह्यूमन बींग होते हैं तुला वाले। दो दोस्तों में कहीं लड़ाई हो जाए, दो फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाए, आओ आपको सलह करानी है, तो उसमें तुला वाला जो व्यक्ति है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों को सुन पाएगा। पहले तो उसके अंदर पेशेंस है सुनने का, फिर उनको सुन के वो उनको ना इस तरह की बातें बता पाएगा, देखो यहाँ इसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है, तो ओवरऑल इस तरह से वो उनको ना सुलह कराने में ये बहुत बढ़िया होते हैं। आपकी फैमिली में कोई बच्चा, लड़की, लड़का कोई भी ऐसा है, जब आप उसको कोई एक बात बताते हो और वो आपको ना उस पिक्चर का दूसरा एरिया भी बताता है,
कि भाई देखो ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, और हर चीज में उसके पास बहस करने को कुछ है, बताने के लिए कुछ है, उसकी गहराइयों में जा पाता है, तो तुला वाला है, वकील बनते हैं। वकील का क्या काम होता है? जस्टिस करना। जस्टिस मतलब एक पक्ष तो है ही, उसके दूसरे पक्ष को भी उठा के ले आना कि भैया ऐसे 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 आप बता रहे हो, तो इस तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि यही सब ठीक है, पर इस चीज की दूसरी चीजें भी हैं, इस तरफ भी देख लो, यहां पर भी ध्यान ले जाओ आप अपना। तो वो तुला है, देखने में काफी अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लंबे होते हैं, आंखें काफी प्यारी होती हैं, नाक उठी हुई होती है, पर आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट, जैसे कह सकते हैं ना, सबसे खूबसूरत राशियों में से एक होती है तुला वाली राशि। सबसे अट्रैक्टिव मानते हैं कि वृश्चिक वाले बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, पर ये खूबसूरत जो होते हैं ना, वो लिब्रा वाले होते हैं। और एक बात और है, बहुत मेहनती होते हैं अपने काम पे, इंटेलिजेंट होते, किताबों का शौक होता है, पढ़ने का शौक होता है इनको, पढ़ने में आसानी से उत्तर दे देते हैं जब एजुकेशन होती है उस समय, पॉजिटिव होते हैं, दूसरों से अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के अनुसार, कितनी सारी इनके अंदर ना खूबियां हो गई। ह्यूमेटेरियन होते हैं, मतलब दूसरों के प्रति इनमें लगाव रहता है। अब ये कहीं ना कहीं एक बात आ रही होगी बार बार, दूसरों के प्रति, दूसरों का ख्याल रखना, सबके साथ एग्रीबल होना, है ना, दयापूर्ण होना, इनके अंदर सामंजस्य, समरसता, एकता, ये सब रहता है, ये सब चीज़ें अच्छी आ गई। जहाँ इंटरेस्ट की बात आई तो म्यूजिक है, संगीत है, पढ़ाई लिखाई है, फैशन है, डिजाइनिंग है, कुछ भी ऐसा काम जहाँ पर आप दूसरों के लिए कर रहे हो, इस तरह का जो है ना इनका इंटरेस्ट आपके रह सकते हैं। बाल कई बार इनके कर्ली देखे गए, दोनों साइड को देख के निर्णय लेते हैं, वो तो ठीक है। न्याय, न्याय के बारे में आपने देखा होगा, शायद एक कोट सुना होगा कि भैया सख्त निर्णय लेने से अच्छा है कि भाई, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैंने हमेशा पाया है कि दया सख्त न्याय की तुलना में अधिक समृद्ध फल देती है, तो दयावान होते। किसी भी जगह होने वाला अन्याय सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है। तो लोग न्याय के बारे में बहुत बात करते हैं कि सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, और अपनी आंखों के सामने अन्याय हुआ देखकर चुप रहना भी अन्याय ही है, मतलब आप अन्याय ही कर रहे हो, तो इस तरह की थॉट जो होती है वो इनकी होती है। सभी को अब थोड़ी वो बातों पे आ जाते हैं कि भैया ऐसा क्या है कि ये जीवन में कई बार असफल नहीं हो पाते। देखिए जो इनकी सफलता का कारण है ना, वो कई बार इनकी असफलता का कारण भी बन जाता है। आपको निर्णय लेना है, आप किसी के साथ प्यार में हो, है ना, आप किससे प्यार करते हो ऐसे समझ लो आप, तो आप निर्णय लेने में इतना समय लगा रहे हो कि वो व्यक्ति निकल जाए तो क्या होगा, असफल हो गए आप। कई बार कोई आपके साथ में है, वो आपसे प्रेम कर रहा है, ये कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई वो कह रहा है कि भाई मेरी ये ट्रम है, मेरे साथ आओ, मुझे आप पसंद हो आपको, जबकि ऐसा नहीं है, पर आप उससे ना नहीं कह पा रहे कि उसको क्या, वो क्या सोचेगा, उसको बुरा तो नहीं लगेगा, इसके साथ अन्याय तो नहीं हो जाएगा, तो क्या होगा, आप तो असफल हो गए, आपने तो एक तरह से गलत हो गया, आपसे आप फंस गए। फिर आपके मन में चलता रहेगा कि भैया क्या चले क्या नहीं, तो दो तरह की थॉट्स इनके मन में ना, विचारों का द्वंद्व चलता रहता है। उस तराजू को बैलेंस करने में लगा रहते हैं, पर वो तराजू जो ना ऊपर नीचे जाती है, बहुत सारी थॉट्स इनके मन में चलती रहती है। साफ सफाई व्यवस्था बहुत पसंद होती है, अच्छी बात है, पर हर जगह साफ सफाई व्यवस्था तो आपको मिलेगी नहीं, और उससे फिर आपका मूड खराब हो जाएगा, आप उस तरह से काम नहीं कर पाओगे, और आप निराश हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। पॉलिटिक्स ना हो, आइडियलिस्टिक सिचुएशन हो, जो मेहनत करे उसको उसका रिजल्ट हो, न्याय मिले व्यक्ति को, है ना, जो जैसा कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसको अच्छा, उसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाए, ऐसे आपके विचार होते हैं, आप होते भी ऐसा हो, पर ऐसा तो कहीं होता नहीं है, और जीवन में दुखों का ये कारण बन जाता है आपके, कि आप जो चाह रहे हो वो चीज़ है ही नहीं शुरुआत में। उसको क्रिएट किया जा सकता है, अगर आप अपना ऑफिस बनाओ, आप एक बहुत सारे बिजनेसमैन होते भी हैं, फिर उनके बारे में मिसाल दी जाती है कि वो थोड़े बेटर हैं, औरों से अलग हैं, वो अक्सर लिब्रा वाले होते हैं, तुला वाले होते हैं, पर शुरुआत में ये चीज़ आपको ना, आप यहाँ गलती कर जाते हो, ये आपका मेन कारण होता है। आप दोनों तरफ की नहीं हो सकते, आप दोनों तरफ की सोचते तो ज़रूर हो, पर आप दोनों तरफ हो ही नहीं सकते ना, चौराहा है, तो चौराहे पे आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा मंजिल पे,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रास्ते के थ्रू मंजिल पर जा रहा हूं तो बाकी तीन रास्तों के साथ तो अन्याय हो रहा है, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे, आप तो हार जाओगे। बिजनेस सेंस भी आपका बहुत अच्छा है, आप दूसरे की भी समझते हो, पर दूसरे की कुछ ज्यादा ही समझते हो, उन पर खर्चा कर देते हो आप कई बार पैसे के मामले में। कई बार आप दूसरों के लिए अपनी फैमिली से भी थोड़े अलग हो जाते हो, ये भी आपने देखा गया है, क्योंकि दूसरे भाव में स्कॉर्पियो राशि आती है। आपको बैलेंस पसंद है, पर खुद का बैलेंस आप कई बार खो देते हो, गुस्से में आ जाते हो कई बार आप, क्योंकि चीजें कहीं पे पॉलिटिक्स हो रही है, आप इतना कोशिश कर रहे हो सबको बैलेंस करने की, चीजें फिर भी ऊपर नीचे जा रही है, तब आप ना आपा खो देते हो। आपको समझना होगा कि भैया गुलाब तो लाल ही होता, दुनिया तो ऐसी ही है। हाँ, आप अपनी कोशिश करो, उसमें कोई गलती नहीं, पर इस चीज का ध्यान रखना होगा। शांत सीधा बढ़िया एनवायरनमेंट चाहिए आपको, आप उसमें काम भी बहुत बढ़िया करते हो, पर ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए तो बहुत है, पर क्यों कारण बनता है, पर सबको तो मिल नहीं पाता, और जिनको नहीं मिल पाता वो तुला वाले थोड़े पीछे रह जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। जिनको मिल जाता है वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि टैलेंट तो होता है, टैलेंट की कमी नहीं होती। एक ही बार को रिपीट करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चल राशि है, बदलाव आने चाहिए। कोई भी ऐसा काम में आप पड़ गए मजबूरी की वजह से जो सेम ही चल रहा है, हर दिन वही काम हो रहा है, तो क्या होगा, आपका काम बढ़िया नहीं होगा, उसमें आपके वो क्वालिटी नहीं आएगी। आपको शांतिपूर्ण सीधा वातावरण चाहिए, है ना, फेयर एनवायरमेंट चाहिए, याद रख लीजिए वो मिलना मुश्किल है, तो अब जैसा है उससे ही काम चलाओ। दुविधा में पड़ा हुआ, कौन सही किस तरफ जाऊं, अन्यनायक हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, बेअसर हो जाता है व्यक्ति, किसी तरफ नहीं रहता। अब किसी तरफ तो होना पड़ेगा, अब दूसरे की तरफ थोड़ा बहुत अन्याय हो रहा तो हो जाए, एक तरफ आ जाओ, एक निर्णय ले लो, एक डिसीजन बना लो, उस पर चलो, आप जीतोगे। आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, झिझक को छोड़ दो, नहीं तो झिझक आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कोई क्या कह देगा, किसको बुरा लग जाएगा, है ना, इससे ऊपर जाओ आप 100% सफल होगे। काम की जगह काम करो, वहां पर दोस्ती प्रेम ये सब नहीं होना चाहिए। कोई आपको रिश्तेदार बन के आ रहा है, आपसे फेवर ले रहा है, कोई आपका दोस्त है आ गया ऑफिस में आपसे फ्री काम करा रहा है, कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उनको फालतू में तनख्वाह भी दे रहे हो कभी कभी, क्योंकि भैया वो तो जानने वाला है, आप उससे क्या कहो, आप तो हो ही इतने अच्छे, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो, पर इन चीजों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहोगे कि भैया मैं तो जिंदगी में फेल हो रहा हूं। एक बात और है, सप्तम भाव में मंगल की राशि आती है, तो अक्सर जो दोस्त पार्टनर होते हैं वो थोड़े से कई बार ऐसे भी मिल जाते हैं, अच्छे भी बहुत होते हैं आपके दोस्त बहुत हाई पोस्ट पे, क्योंकि सूर्य आ रहा है एकादश में, खासकर आपके सुपीरियर बॉस बहुत आगे निकल जाते हैं, पर साथ वालों में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ज्यादा आपकी तरह मतलब न्याय वाले नहीं होते हैं, एक पक्ष वाले होते हैं, उनको एक वो चाहिए होता है और साइड लेने वाले होते हैं, तो उसको देख के आपको चलना होगा। कई बार आप जो समन्वयता में करते हो ना, समरसता में करते हो, लोग उसको चापलूसी समझ लेते हैं, उनको लगता है तो इधर का भी है उधर का भी है, किसी तरफ नहीं है। आपकी जो क्वालिटी है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसको बताओ, समझाओ, ओपन कर दो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तब आप जीवन में ऊपर उठोगे। बड़े गोल से अगर डर लगता है तो टुकड़ों में जाइए आप, आपको लगता है किताब में नहीं पढ़ सकता, कई बार ये होता है इनके अंदर ना कि क्वालिटी बहुत है, कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि सूर्य नीच का है, तो आप ये बना लो एक दिन में इतना करना है, दो दिन में इतना करना है, तीन दिन में इतना करना है, टुकड़े टुकड़ों में आप कर पाओगे। अब 100 लड्डू में एक बार देखोगे तो देख के हालत खराब हो जाएगी, भैया ये मेरे को खाने हैं, मैं नहीं खा सकता भैया, पेट खराब हो जाएगा, है ना, अपने आप ही आ जाएगा। पर अगर एक एक खाओगे तो आपको फिर पता नहीं लगेगा, जैसे कई बार आप सुनते हो ना कि इंसान जिंदगी में इतने टन पानी पी लेता है, आपको यार इतना तो कैसे पिया होगा, या फिर सुनोगे एक साल में इतना खाना खा लेता है व्यक्ति, तो आप ना दिमाग घूम जाएगा आपका कि इतना खाना एक व्यक्ति एक साल में खा लेता है, पर क्योंकि वो धीरे धीरे करता है, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहो, आगे बढ़ते रहो लाइफ में, बड़े गोलों से डरो मत।
स्वास्थ्य के मामले में अच्छी राशि है, बढ़िया है। किडनी का ध्यान रखना होता है, इंटेलिजेंस से बचना होता है। इंटेलिजेंस कभी कभी दोस्तों का होता है, पार्टनर का होता है, सेक्स का होता है, चाय का होता है, कॉफी का होता है। आपका फोकस दूसरों में है, आप दूसरों में ये देखते हो कि भैया मैं चीजों में भी व्यक्ति अप्रिशिएट करें मेरे को। आपको अपने पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना, अपने पर ज्यादा काम करना है, आप सफल रहोगे जिंदगी में। अच्छी राशियां कौन सी है? मीन है, कर्क है, मकर है, इनसे थोड़ा सा कह सकते हो। बहुत ज्यादा देखिए, मीन छठे भाव में आती है ना। कर्क बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल है, होम ओरिएंटेड है, पक्ष माता पक्षपाती होती है, माता अपने बच्चे का ज्यादा करती है, दूसरे का नहीं करती है, उसमें ये रहता है थोड़ा सा। तो ये और जो मकर है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनसे उनकी आपकी थोड़ी सी कम बनेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि भैया वो अगर आपका बच्चा ही ऐसा है, आपका हस्बैंड ही ऐसा, तो उसके बनेगी नहीं, उनसे एकदम दूर चले जाना है थोड़ा। और ज्यादा मैं तो ये कहूंगा, और अच्छी बात है, आप और बढ़िया तुला वाले हो जाओगे, आप इनके साथ भी काम करना सीख लोगे। पर हाँ, इनको कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम बनती है। हमें जो काम करना है, अपना जो कर्म करना है, उसका मेन पर्पज है कि भाई हमारा जो गोल है ना लाइफ में, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, ईश्वर के लिए, उसके लिए काम करना है, उसी के लिए धन कमाना है हमको। और पक्षपात तो आप होते नहीं हो नॉर्मली, ये आपके अंदर ऑलरेडी होता है। तो ये आगे लिब्रा के हमारे सारे गुण हो गए एक तरह से, जो मेन पर्पज था वो हमारा हो गया। अच्छे जो होते हैं डेज, बुधवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, अच्छे दो होते हैं। जो भाग्योदय होता है ना 22 से 32 साल के बीच में होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बने रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।